हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ब्लिस वर्ल्ड दिस इज अपर्णा एंड आई एम बैक विद अनदर टैरो रीडिंग वीडियो फॉर यू गाइज आज का जो वीडियो है वो होने वाला है वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑन पॉइंट ओके सो आज का जो टॉपिक है वो होने वाला है अबाउट क्या वो आपको कमिटमेंट देंगे ओके okay? क्या वो आपसे एक यू नो कमिट करेंगे आपके लिए आपके साथ होने के लिए जिंदगी भर जिस जिस वक्त का आप इतना टाइम से इंतज़ार करें कि हमारा फ्यूचर हो हमारा परिवार हो हमारा जो लाइफ हो एक साथ हो हमारा यूनियन हो तो ये ये जब यूनियन होगा तो क्या वो हमेशा के लिए आपको कमिटमेंट देंगे क्या वो आपके बने रहेंगे तो ये टॉपिक है आज का काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑन पॉइंट मैंने ज़्यादा कार्ड्स भी यूज़ नहीं किए हैं ऑन पॉइंट होने वाला है स्टोरी में नहीं जाने वाले हैं हम हम फ्यूचर में जाने वाले हैं आज हम फ्यूचर देखने वाले हैं एंड दैट टू ऑन पॉइंट ओके okay, सो so हो सकता है कि ये वीडियो जो है वो अदर वीडियोज़ से थोड़ी छोटी हो जाए मुझे पता है मैं जब एक्सप्लेन करती हूँ तो आपको काफ़ी पसंद है पर इस बार लेट्स लेट्स बी ऑन पॉइंट ओके ऑन पॉइंट देखते हैं कि अगर, अगर वो आपको कमिटमेंट इन फ्यूचर दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं ओके सो गाइज अगर आपको ये टॉपिक पसंद आए ऑन पॉइंट ऐसे रीडिंग्स आप देखना चाहेंगे तो लाइक ज़रूर कीजिए इस वीडियो को कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा आपको रेजोनेट हुआ या नहीं आपने कौन सी पाइल पिकअप की थी एंड एनी थिंग दैट यू वॉन्ट टू शेयर विथ मी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को साइड में बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कर दीजिए मेरे सेकेंड चैनल का लिंक यहाँ पे आई बटन में दे रखा है आप वहाँ पे जाके मेरे सेकेंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स दे रखे हैं uh, साथ ही गाइज आज के प्रेयर्स की बात करते हैं आज प्रेयर्स में सेंड कर रही हूँ स्पेशली उन लोगों के लिए जो कमिटमेंट अपनी लाइफ में चाहते हैं आज कमिटमेंट का टॉपिक है सो उससे रिलेटेड ही मैं प्रेयर्स कर रही हूँ कमिटमेंट आपसे जल्द से जल्द आपके लिए कमिटमेंट आपकी ज़िंदगी में आए और आइडियल इंसान आए आपकी ज़िंदगी में जिसे भी आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं उसे भी ज़्यादा आइडियल इंसान आपकी ज़िंदगी में आए और खुशियाँ ही खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आए एक स्टेबिलिटी आए लव लाइफ में इसके लिए मैं आज प्रेयर्स कर रही हूँ अगर आपको प्रेयर्स रिसीव करने हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर थैंक यू फॉर द प्रेयर्स ज़रूर लिखिए मैं आपका नाम पढ़कर आपकी तरफ प्रेयर्स ज़रूर सेंड करूँगी ओके तीन पाइल्स रखी हैं आप लोगों के सामने सिल्वर हार्ट ब्लू हार्ट पिंक हार्ट ओके इनमें से जो भी हार्ट आपको रेजोनेट हो रहा है बुला रहा है ओके आपको पाइल चूज़ करते वक्त कई लोग गलतियां कर देते हैं इसमें मैं स्ट्रिक्टली कहूँगी आंसर जो है कमिटमेंट देंगे या नहीं तो येस और नो में होगा सो so, एक ही पाइल चूज करो एंड स्टिक विथ इट अगर रेजोनेट नहीं करता है तो आप पाइल चेंज कर सकते हो अदरवाइज एक ही पाइल लो एंड स्टिक विथ इट ओके तीन में से कोई एक पाइल आपको चूज़ करनी है आंखें बंद कीजिए अपने लवर का जिससे आप कमिटमेंट चाहते हैं जिसके बारे में आप ये सवाल पूछ रहे हैं उनका नाम लो आंखें बंद करो ब्रीद इन ब्रीद आउट और फिर आंखें खोलने के बाद आपको जिस पाइल की तरफ सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन फ़ील हो रहा है जो हार्ट आपको बुला रहा है जो हार्ट आपको सबसे ज़्यादा सुंदर लग रहा है अट्रैक्टेड लग रहे हैं आप उससे अट्रैक्शन फ़ील हो रहा है देन डेफिनेटली गो विद दैट हार्ट नीचे टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वीडियो स्किप करके आगे अपने अपने टाइम पे अपने हार्ट का रीडिंग एन्जॉय कर सकते हैं ओके गाइज लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पाइल के साथ पाइल वन से स्टार्ट करते हैं सिल्वर हार्ट जिन्होंने चूज किया था देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग आ रही है ओके रिलीज कंपैशन ओ सॉरी लव ओके होप एंड स्पिरिचुअल यूनियन आपसे ये इंसान जो है कमिटमेंट करेंगे या नहीं कुछ चीज़ें अभी आपकी लाइफ में डेफिनेटली गाइस ऐसी चल रही हैं जिसके ऊपर आप अभी आप कहीं ना कहीं अपना होप हार रहे हैं ये दिखाई देता है कहीं ना कहीं आप सोच रहे हैं कि होगा भी या नहीं दो, दो बार आपका आपको सोचना पड़ रहा है इस रिलेशनशिप के बारे बारे में रिलेशनशिप में क्या मैं अकेला ही सब कुछ झेल रहा हूँ अकेला ही मेरे ऊपर सारे हो सारी चीज़ें पड़ रही हैं कहीं ना कहीं आप सोच रहे हैं कि क्या बचा क्या है इस रिलेशनशिप में तो डेफिनेटली ये आपका आपके लिए मैसेज आ रहा है कि होप रखिए फेथ रखिए ट्रस्ट रखिए बिलीव कीजिए कि भगवान आपके साथ हैं एंजल्स आपके साथ हैं वो सुन रहे हैं आपकी बातें अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन ट्राई कर रहे हैं मैनिफेस्टेशन विजुअलाइजेशन ये सारी चीज़ें ट्राई कर रहे हैं तो डेफिनेटली uh, ये सारी चीज़ें मिलकर आपके लिए काम कर रही है देर इज़ होप डेफिनेटली आप लोगों का एक तरह का मुझे स्पिरिचुअल यूनियन का भी कार्ड आया है सो दिस इज़ रियली गुड डेफिनेटली अगर कमिटमेंट का सवाल है तो ये इंसान श्योरली आपको कमिटमेंट देंगे ये कमिट करेंगे आपसे डेफिनेटली um, uh, आपका यूनियन दिखाई देता है री दिखाई देता है एक स्ट्रॉग आप दोनों का कनेक्शन स्पिरिचुअल कनेक्शन मुझे दिखाई देता है इन फ्यूचर डिवाइन uh, लेवल पे एक कनेक्शन दिखाई देता है हो सकता है कि आप ट्विन फ्लेम्स हो हो सकता है आप सोलमेट्स हो हो सकता है आप आपका पिछले जन्म से कनेक्शन रहा हो काफ़ी इंटरेस्टिंग कनेक्शन रहा हो और आप भी आपने भी नोटिस किया होगा कि जब भी आप एक साथ होते हैं तो एक स्पार्क होता है एक शाइन होती है एक अच्छा फील होता है आपको बेसिकली uh, फील होता है कि इस इंसान को जानते हैं यार बहुत टाइम से जानते हैं तो ये कहीं ना कहीं डेफिनेटली आपके स्पिरिचुअल कनेक्शन है पास्ट लाइफ कनेक्शन है एंड अगर ये कमिटमेंट आई नो कि कुछ चीज़ें हैं अभी आपकी ज़िंदगी में जिसकी वजह से आप क्वेश्चन कर रहे हैं चीज़ों को बट डाउट्स जो हैं अनवांटेड एनर्जीज जो हैं उसे रिलीज़ कीजिए ओके ये क्वेश्चन मार्क्स जो आपके दिल में चल रहे हैं ये नेगेटिव एनर्जी जो आपके दिल में चल रही है उसे निकाल फेंकी बाहर ओके okay? इसका एक और भी मतलब हो सकता है कि अगर आपका आपके पार्टनर किसी नेगेटिव एनर्जी में फंसे हुए हैं किसी नेगेटिव पर्सन के इन्फ्लुएंस में फंसे हुए हैं तो वहाँ से भी आपके पार्टनर को वो एनर्जीज रिलीज़ करनी होंगी जैसे आ, जो लव का चीज़ होती है ना गाइज़ वो वन वे नहीं होती ओके okay? वो वन वे ट्रैफिक करके कोई फायदा नहीं होता तो आप जिस तरह से रिलीज़ कर रहे हैं धीरे धीरे आपके पार्टनर को भी सारी चीज़ें अनवॉन्टेड एनर्जीज रिलीज़ करनी पड़ेंगी करेंगे वो इन फ्यूचर फॉर श्योर Uh, क्योंकि वो कमिटमेंट देने आप खुद से सामने आएंगे ये दिखाई देता है आपकी रिलेशनशिप में जो है डेफ़िनेटली दिखाई देता है कंपैशन है प्यार है लव है uh, एक दूसरे के लिए uh, अभी फ़िलहाल के लिए आपको लग सकता है कि वो सारी चीज़ें खो रही हैं हाथ से निकल जा रही हैं बट होप रखिए फेथ रखिए ट्रस्ट रखिए यूनिवर्स के ऊपर वो डेफिनेटली आपके आपसे प्यार कर रहे हैं अंदर से आपको मिस कर रहे हैं अंदर से एक कनेक्शन फ़ील कर रहे हैं अपने आ, दिल से आपके दिल तक एक कनेक्शन वो फील कर रहे हैं डेफिनेटली वो कम्पैशन वो सॉफ्ट कॉर्नर है उनके हार्ट में आपके लिए अभी तक फीलिंग्स डेफिनेटली है उनके हार्ट में आ, तो आ, आप होप रखिए अप मत कीजिए डेफिनेटली आपका यूनियन तो होना ही है ओके okay? सो so, उतना टाइम दीजिए लव का भी कार्ड आया है सो so, इस हिसाब से तो मैं श्योरली कहूँगी कि वो कमिट तो करेंगे लव का ही कार्ड आया है डायरेक्टली ओके सो कमिटमेंट तो बनती है इस रिलेशनशिप में और डोंट वरी वो सामने से आएंगे उनको अभी ज़िंदगी में कुछ अनवांटेड एनर्जीज़ हैं अनवांटेड लोग हैं अनवांटेड हैबिट्स हो सकते हैं कुछ है कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको वो फ़ेस कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में आप कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो फ़ेस कर रहे हैं ज़िंदगी में अनवॉन्टेड एनर्जीज नेगेटिव एनर्जीज ये सारी चीज़ें चल रही हैं अभी लाइफ में बट डोंट वरी ओके अभी अनवान्टर्जीज जो है वो ब्लैक मैजिक हो सकता है थर्ड पार्टी हो सकता है वो भी अनवॉन्टेड एनर्जी ही होती है सो so, कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि उनको कुछ चीज़ें जो है सॉल्व करनी है अपनी लाइफ में बस वो सॉल्व कर दे वो अनवान्टर्जीज़ को झाड़ू कटका करके बाहर कर दे एक बार जिंदगी से तो फिर डेफिनेटली आप वो आएंगे सामने से वो कमिट करेंगे और आपका यूनियन तो होने ही वाला है आपका कनेक्शन तो काफ़ी स्ट्रॉग है सो डोंट वरी ओके ओके गाइज दिस वॉज अ रीडिंग जिन्होंने सिल्वर हार्ट चूज़ किया था आई नो बहुत ऑन पॉइंट शॉर्ट रीडिंग है अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए कमेंट करके अगर आपको प्रेयर्स एक्सेप्ट करने हैं तो नीचे जाकर कमेंट ज़रूर कीजिएगा साथ ही अगर आपको आपके पास कोई वीडियो सुझे, वीडियो सजेशंस है तो मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को साइड में बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कर दीजिए आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो चिल्डन बाय बाय एन्जॉय पाइल नंबर टू ब्लू हार्ट जिन्होंने चूज किया था उनकी तरफ आए हैं हम लोग उपसी हटाना मैं भूल गई ओके ब्लू हार्ट जिन्होंने चूज किया था देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग आ रहा है आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देंगे या नहीं देंगे ट्रांसफॉर्मेशन ओके फ्रीडम पास लाइफ मेमोरीज फाइन लाइट और पेशेंस ओके ओके सो सबसे पहली चीज जो इस पाइल को दिखाई देती है इस पाइल में वो है impatience. आपको आपके दिल को पता है क्या होने वाला है ओके okay. आप खुद अंदर जानते हैं क्या होने वाला है पर आप इतने इम्पेशेंट हो जाते हैं आपको रुकने का मन नहीं करता ओके आपको अभी अभी वेट नहीं करना है अभी मुझे रिजल्ट्स चाहिए ये कहीं ना कहीं आप फील कर रहे हैं ओके आपके पार्टनर के अगर मैं बारे में बात करूं तो ये दिखाई देता है श्योरली कि आपके पार्टनर जो हैं उनमें अभी अभी जिस तरह से वो बिहेव कर रहे हैं अभी जिस तरह से उनकी गाड़ी जिस पटरी पर चल रही है वो गलत दिशा में जा रही है श्योरली दिखाई देता है आई नो कमिटमेंट के बारे में सवाल है बट डेफिनेटली ये दिखाई देता है इन फ्यूचर इनके बिहेवियर में इनके बर्ताव में जैसे मैं कह रही थी इनके रहन सहन में इनके सोच विचार में इनके आसपास के माहौल में बदलाव आता हुआ मुझे दिखाई देता है एक ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है इस इंसान का क्योंकि देखो ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड है लाइट कार्ड है पास्ट लाइफ मेमोरीज है ये इंसान मुझे कहीं ना कहीं और आपकी जर्नी इनके साथ मुझे स्पिरिचुअली कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन इस इंसान में हो रहा है जैसे हम कहते हैं ना कि एक रॉक बॉटम आता है इंसान का और उसके बाद सारी चीज़ें बदलती हैं नीचे पहले ऊपर आने के लिए पहले नीचे जाना पड़ता है तलवा देखना पड़ता है है ना तो उस तरह से कहीं ना कहीं इनकी जर्नी अभी डाउन जा रही है ये दिखाई देता है गलत डिसीजंस ले रहे हैं गलत लोगों के इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं गलत चीज़ों में फंस रहे हैं बट डेफिनेटली ये चीज़ें जो हैं उन्हें बहुत कुछ सिखाएंगी बहुत कुछ समझाएंगी एक अवेयरनेस क्रिएट करेंगी उनमें चीज़ें कौन सही है कौन गलत है ये उनको इन फ्यूचर दिखाई देता हुआ नज़र आता है एक बदलाव इस इंसान में आता हुआ दिखाई देता है कमिटमेंट की अगर बात करें कमिटमेंट देंगे या नहीं डेफिनेटली आपको कमिटमेंट देंगे बट पेशेंस रखिए आप काफ़ी ज़्यादा घाई कर रहे हैं आप काफ़ी ज़्यादा देखो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है आई वॉन्ट टू बी वेरी क्लियर ये ओवर नहीं आने वाला ये एक रात में नहीं आने वाला है ओके okay, इसके लिए थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा उनको ओके सो पेशेंस पेशेंस इज़ द की थोड़ा रुकिए, पेशेंस रखिए साथ ही दिखाई देता है अभी किसी डार्क चीज़ों में फंसे हुए हैं डार्क एरिया अपना लाइफ का हो सकता है स्ट्रेस है डिप्रेशन है हो सकता है नेगेटिव एनर्जीज काफ़ी सारी हैं आसपास, पास जेलस लोग हैं नज़र लगाने वाले लोग हैं गलत इन्फ्लुएंस करने वाले लोग हैं पर ये डार्क साइड छोड़, छोड़ कर, लाइट की तरफ पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते हुए मुझे इन फ्यूचर डेफिनेटली दिखाई देते हैं सो so, ये ट्रांसफॉर्मेशन उनके अंदर श्योरली आ रहा है ये बदलाव उनकी ज़िंदगी में श्योरली आ रहा है कि नेगेटिव uh, चीज़, चीज़ें चीज़ें छोड़कर वो पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं यानी कि गलत लोगों को छोड़कर वो आपकी तरफ पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं इन फ्यूचर दिखाई देता है uh, उनको uh, आपके साथ बिताए हुए अच्छे वक्त का अभी तक ख्याल है अभी इसके दो मीनिंग्स हो सकते हैं कि वो एक्चुअली आप लोग पास्ट लाइफ कनेक्शन हो ये एक मीनिंग हो सकता है या फिर सेकंड मीनिंग इस तरह से भी लिया जा सकता है कि आपके साथ जो बिताए हुए अच्छे मूवमेंट्स हैं प्यारे मूवमेंट्स हैं उनके बारे में सोचते हैं उनको आपको मिस करते हैं आपका आपके प्रति वो कंपैशन फील करते हैं वो आ, एक प्यार वो फील करते हैं ये डेफिनेटली दिखाई देता है फ्रीडम कहीं ना कहीं आपको ये ध्यान में रखना है गाइस कि ये कमिटमेंट भी जब भी देने आएंगे तो इसमें आप आपकी इंडिविजुअलिटी और उनकी इंडिविजुअलिटी ये आपको इस टाइम ध्यान रखना है इस टाइम जब आप रिलेशनशिप में आएंगे इस इंसान के साथ तभी आपको ये चीज़ याद रखनी है कि अपने आप को मत खोना ओके okay, इसमें आपने अभी नोटिस किया होगा कि अभी जब वो निकल गए हैं आपकी लाइफ से अगर फॉर फॉर दोज पीपल हु आर इन सेपरेशन जो सेपरेशन में है अभी लोग उनके लिए स्पेसिफिकली ये पॉइंट मैं बता रही हूँ आपने नोटिस किया होगा कि वो चले गए हैं तो आप अकेला फील करना शुरू कर दिए हैं पर इस जर्नी में मुझे दिखाई देता है कि आप अपना फ्रीडम अपनी प्रायोरिटीज़ अपना ये सारी चीज़ें अपने ऊपर ध्यान देंगे वो अपने ऊपर ध्यान देंगे एंड देन आप जब रिलेशनशिप में भी आएंगे वापस कमिटमेंट भी जब ये इंसान आपको देगा तब आप दोनों एक दूसरे का फ्रीडम का ख़्याल रखेंगे एक दूसरे को स्पेस देंगे एक दूसरे को समझेंगे सपोर्ट करेंगे और अपनी ज़िंदगी जो है एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे पर अपनी ज़िंदगी आप खुद जी रहे हैं आपको बहुत उनकी तरफ से हेल्प मिलती हुई आप उनको हेल्प करते हुए एक प्रॉपर कपल बनते हुए एक अच्छा अच्छा रिलेशनशिप बनता हुआ डेफिनेटली दिखाई देता है कमिटमेंट वाला रिलेशनशिप बनता हुआ दिखाई देता है बट ये ट्रांसफॉर्मेशन आप दोनों में भी आ रहा है इस वक्त में कि आप चीज़ें जो हैं बियॉन्ड फिज़िकल रैलम समझ रहे हो आ, ये सारी चीज़ें सिर्फ फ़िजिकल नहीं होती है इससे ज़्यादा डीप में रिलेशनशिप्स भी होते हैं तो ये आप कहीं ना कहीं इस वक्त में समझ रहे हो ये दिखाई देता है कमिटमेंट देंगे या नहीं श्योरली कमिटमेंट देंगे पर पेशेंस रखिए बहुत इम्पेश हो रहे हैं आप थोड़ा सा टाइम जाने दीजिए डेफ़िनेटली कमिटमेंट देंगे ओके गाइस सो दिस वाज द रीडिंग जिन्होंने ब्लू कलर का हार्ट चूज़ किया था अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए प्रेयर्स एक्सेप्ट करने हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं मुझे ऑल्सो अगर आपके पास कोई वीडियो श... सजेशंस हो तो वो भी बताइए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को मैं ऐसे वीडियोस बनाती रहती हूँ बेल आईकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मिस आउट ना कर दें पर्सनल रीडिंग के सारे डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं ज़रूर चेकआउट करना थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी इन दिस रीडिंग आई वल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो टिल दन बाय बाय

कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में मुझे फ़र्स्ट थिंग जो फ़ील होती है फर्स्ट वाइब्स जो आते हैं कार्ड्स देख कर वो ये है कि आपको आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा ग्रांटेड ले रहे हैं काफ़ी ज़्यादा ग्रांटेड ले रहे हैं यानी ये ये कहाँ जाएंगे ये मेरे बिना क्या कर पाएंगे ये कहीं ना कहीं सोच रखते हैं आपके पार्टनर ओके डेफिनेटली ये दिखाई देता है कि आप भी काफ़ी उनके उनके सामने सबमिट हो जाते हैं हमेशा उनके सामने आप कुछ बोलते नहीं हैं आप बोल नहीं पाते हैं जैसा वो चाहें वैसा आप करने लगते हैं ओके आपने उनको एक अथॉरिटेटिव पोजिशन में डाल दिया है ये दिखाई देता है जब अगर आप सेपरेशन में हैं अभी तभी भी जब आप रिलेशनशिप में एक साथ थे तो दिखाई देता है कि वो जो थे वो रिलेशनशिप के बॉस थे सारी अथॉरिटीज़ उनके पास थी और आप बस वो जैसा कहते थे वैसा किया किए जा रहे थे और उस चीज़ की वजह से आज के आज ऐसा टाइम आ गया है ये दिखाई देता है कि वो काफ़ी ग्रांटेड लेते हैं आपको ओके okay? काफ़ी ज़्यादा ग्रांटेड लेते हैं आपको ऑल्सो इसका मतलब ये हो सकता है कि ये इंसान ज़िंदगी में आपके इसने कभी ज़्यादा खुशी नहीं दी है प्रॉब्लम्स ही ज़िंदगी में ये इंसान आपके लेकर आया हुआ है ओके okay? एलिमिनेटिंग डिसीट कहीं ना कहीं चीटिंग दिखाई देती है कहीं ना कहीं हो सकता है थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है या फिर हो सकता है बहाने बनाते हैं झूठ बोलते हैं ये कहीं ना कहीं दिखाई देता है ओके टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकता है एलिमिनेटिंग डिसीट आया हुआ है सो so अगर कमिटमेंट की बात करें तो ये इंसान आपको कमिटमेंट नहीं देंगे मुझे नहीं लगता है कि ये इंसान कमिटमेंट देंगे ये कहीं ना कहीं अपने आ, हो सकता है रिलेशनशिप में किसी थर्ड पार्टी को ले आए हों या फिर हो सकता है आगे ले आएंगे अगर नहीं अभी तक तो हो सकता है कोई प्रॉब्लम्स ख़ुद से क्रिएट कर दें ये रिलेशनशिप में बहानेबाजी करें आपको कहीं ना कहीं फ़िज़िकली आपको आपके साथ इन्वॉल्व हो जाए पर कमिटमेंट देना नहीं चाह रहे तो कहीं ना कहीं इस टाइप के ये आ, ये रिलेशनशिप मुझे दिखाई दे रहा है आई कैन बी श्योर ये इसका इसमें तो एक भी कार्ड इस तरह से नहीं है कि वे कमिटमेंट देंगे डेफिनेटली ये कमिटमेंट नहीं देंगे ये दिखाई देता है um, इस वक्त में आपको डिटैचमेंट ही इनसे दिखाई देती है ये आपको डिटैच कर चुके हैं ये आपको अलग कर चुके हैं ये Uh, कहीं पे भी कंपैशन कमिटमेंट नहीं दिखाई देती इनके दिल में कहीं ना कहीं uh, उस तरह के फीलिंग्स दिखाई नहीं दे रहे हैं आपके लिए कहीं ना कहीं एक प्यार जो होता है वो मुझे दिखाई नहीं देता डेफिनेटली ये भुला चुके हैं ये आगे बढ़ चुके हैं अपनी लाइफ में खुद बिजी हो गए हैं ये दिखाई देता है ये इंसान uh, मुझे सेल्फ लव का काड़ा है सो डेफिनेटली दिखाई देता है कि ये इंसान काफ़ी सेल्फिश बन रहे हैं इस वक्त में और ये इस कार्ड का और एक मतलब भी है कि आपको इस वक्त में अपने ऊपर फोकस करना है सेल्फ लव जगाना है अपने ऊपर अपने बारे में सोचना है काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप उनके लिए दिए जा रहे थे किए जा रहे थे ओके अपना अपने तरफ से आप पूरी मेहनत किए जा रहे थे पूरी के ज़्यादा ही मेहनत किए जा रहे थे और इस इंसान के साथ इस इस इंसान को उतनी कदर आ, आपकी दिखाई नहीं दे रही है तो इस वक्त में आपको सेल्फ लव जानना काफ़ी ज़रूरी है खुद से प्यार कीजिए अभी आप फील कर रहे होंगे कि मैंने खोया ही है सिर्फ इस रिलेशनशिप में कुछ पाया नहीं है बट आपने काफ़ी इंपॉर्टेंट लेसन सीखे हैं इस रिलेशनशिप में और अभी आप खुद से प्यार करना सीखो प्यार आपको बाहर से कमिटमेंट हमको बाहर से ज़रूरत नहीं है आप खुद बहुत स्ट्रॉन्ग हो स्टैंड योर ओन ग्राउंड का भी कार्ड आया है इस पाइल के लिए अपने लिए खड़े रहो अपने लिए स्टैंड लो ओके okay? आप जो फील करते हो वो एक्सप्रेस करो हो सकता है कि आपको फील हो रहा हो कि अभी मैं पोजीशन में नहीं हूँ ये सारी चीज़ों को एक्सप्रेस करने के बट डेफिनेटली वो वक्त आएगा एंड आप अपने आप लिए खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं इस इंसान को कहीं ना कहीं उस उसके कर्मों का सज़ा सबक तो मिल ही जाएगा बट ऐसे कार्ड्स देखकर डेफिनेटली मैं कहूँगी कि ये इंसान कमिटमेंट ना दे तो ही बेहतर है ये हट जाए आपकी ज़िंदगी से तो ही बेहतर है ओके अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए इस वीडियो को साथ ही गाइस कमेंट करके मुझे बताइए कैसा लगा आपको वीडियो रेजोनेट हुआ या नहीं आपने कौन सी पाइल पिकअप की थी साथ ही अगर आपके पास कोई वीडियो सजेशंस है तो वो भी मेरे साथ शेयर कीजिए प्रेयर्स अगर आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो थैंक यू फॉर द प्रेयर्स लिख के ज़रूर भेजें आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को साइड में बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिले और आप मिस आउट ना कर दे पर्सनल रीडिंग के सारे डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं थैंक यू सो मच गाइज फॉर जॉइनिंग मी इन दिस रीडिंग आई एल सी इन माई नेक्स्ट वीडियो टिल देन बाय बाय एंजॉय